नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार और वक्त हो चुका है सुबह के कुछ ताजा तरीन खबरों की। वित्त मंत्रालय और आरबीआई की आज बैठक होने वाली है, जहां 2020-21 की पहली छमाही के लिए सरकार की आधार योजना पर फैसला लिया जाएगा। SBI ने हाल ही में अपने लॉकरों में सामान रखने की फीस बढ़ाने की घोषणा की थी, जो आज यानी 31 मार्च से लागू हो जाएगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद और मेरठ जाकर कोरोना के मद्देनजर व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे। कोरोना को लेकर कांग्रेस ने सोमवार को मांग की है कि निजी सेक्टर के कर्मचारियों की छटनी न हो, इसके लिए केंद्र सरकार एक कानून बनाए। कोरोना के कारण देश के प्रमुख औद्योगिक संगठनों ने चालू वित्त वर्ष की अवधि को कम से कम 30 जून तक बढ़ाए जाने की अपील की है। जापान की यूटिलिटी व्हीकल्स मैन्युफैक्चरर सुजुकी मोटर इंडिया ने सोमवार को बताया कि कंपनी ने कोरोना के चलते भारतीय बाजार में लॉन्च होने वाले BS6 वाहनों की लॉन्चिंग फिलहाल टाल दी है। कर्ज से जुड़ी विभिन्न जानकारियां देने वाली कंपनी ट्रांस यूनियन सिविल ने कहा है कि वह RBI की EMI चुकाने पर लगाई गई 3 महीने के रोप के अनुरूप ऋण सूचनाएं जुटा रही है, ताकि इसका असर ग्राहकों के क्रेडिट स्कोर पर ना पड़े। कोरोना के कारण टोक्यो ओलंपिक टाल दिया गया है, जिसकी नई तारीखों की घोषणा हो चुकी है, जिसके तहत टोक्यो ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी 23 जुलाई 2021 को होगी। फिच सॉल्यूशन ने अगले वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि अनुमान को कम कर 4.6% कर दिया है। भारत की दिग्गज महिला मुक्केबाज मैरी कॉम ने भी कोरोना से निपटने के लिए स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम फंड में 1 करोड़ रुपए देने की बात कही है। कोरोना से निपटने की मुहिम के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद के जरिए जागरूकता अभियान को गति दे रहे हैं, जहां इस कड़ी में PM ने कल सामाजिक कल्याण संस्थानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर उनके योगदान की जमकर सराहना की। योग गुरु बाबा रामदेव की संस्था पतंजलि योगपीठ ने कोरोना से निपटने के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 25 करोड़ रुपए की धनराशि दान में दे दी है। तेलंगाना के CM के चंद्रशेखर राव के उस वीडियो की हर तरफ तारीफ हो रही है, जिसमें वे राज्य से मजदूरों को ना जाने की अपील कर रहे हैं। आपको बता दें कि करीब 2.5 मिनट के इस वीडियो में वे बार बार मजदूरों को भरोसा दे रहे हैं कि उनके राज्य में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। खबर है कि लॉकडाउन के कारण होटल और रेस्टोरेंट के बंद होने से कम मार्च अप्रैल महीने के दौरान खाद्य तेलों के मांग में गिरावट आने की संभावना है। गौरतलब है कि देश के कुल खाद्य तेलों की मांग का 40% होटल और रेस्टोरेंट में जाते हैं। पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने राज्य के डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए इंश्योरेंस की घोषणा की है। केरल हाईकोर्ट ने कोरोना के चलते ट्रायल कैदियों और रिमांड के लिए गए लोगों को अंतरिम जमानत दे दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा है कि तकनीकी रूप से भारत में कोरोना अभी भी स्थानीय ट्रांसमिशन चरण में है और ये तीसरे चरण यानी सामुदायिक प्रसारण में नहीं है। केरल के कासरगोड से कांग्रेसी सांसद राजमोहन उनिथन ने कर्नाटक केरल सीमा खोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कहा है कि कर्नाटक सरकार को केरल सीमा खोलने के लिए निर्देश दिए जाएं। रांची के हिंदगढ़ इलाके में 18 विदेशी मौलवियों के रहने की जानकारी पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर क्वारंटीन में भेज दिया है। छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल कल रायपुर की सड़कों पर उतरे और बाजारों का जायजा लेते हुए सब्जी विक्रेताओं से बातचीत की, जिसके बाद कहा कि किसी भी चीज का कीमत ज्यादा न वसूला जाए। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से हमारे संवाददाता SP सुखवाल बता रहे हैं कि राजस्थान सीमा के अंदर कर्नाटक से 62 बसें सीमा में दाखिल हुई, जिसमें 2400 लोग बैठे थे, जिनके जांच के बाद उन्हें नीचे उतारा गया। उत्तर प्रदेश के महुआ से हमारे संवाददाता डॉक्टर निसेंद्र राजपूत बता रहे हैं कि जनपद के थाना कुलपहार के अंतर्गत जैतपुर में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कैलाश सोनी और रचना सोनी के द्वारा गरीबों और वृद्ध लोगों को खाने का सामान बांटा गया। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत पूरनपुर से हमारे संवाददाता सरफराज खान बता रहे हैं कि लॉकडाउन के 1 सप्ताह बाद भी बाहर से लोगों का आने का सिलसिला जारी है, जिसको लेकर जिला अधिकारी ने ग्राम प्रधानों को निर्देश जारी किया है कि कोई भी बाहर से आने वाले लोगों को गांव में घुसने ना दिया जाए और उन्हें गांव के बाहर ही रखा जाए। हिमाचल प्रदेश के सोलन से हमारे संवाददाता महेंद्र वर्मा बता रहे हैं कि सोलन के उपायुक्त KC चमन ने जिलावासियों से आग्रह किया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई जा रही अफवाहों पर ध्यान ना दें।
उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से हमारे संवाददाता सरफराज खान बता रहे हैं कि मनरेगा मजदूरों को जिनका रजिस्ट्रेशन है उन्हें प्रति यूनिट 5 किलो राशन मुफ्त में दिया जा रहा है। यह राशन 1 महीने तक मिलता रहेगा। श्रमिकों की लिस्ट भी तैयार की जा रही है। भिलवाड़ा से हमारे संवाददाता अक्षय शर्मा बता रहे हैं कि भिलवाड़ा में 3 अप्रैल से 13 अप्रैल तक कोई भी पास वैलिड नहीं रहेगा। सभी को घरों में ही रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। सभी आवश्यक वस्तु घर पर ही पहुंचाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश के शिमला से हमारे संवाददाता महेंद्र वर्मा बता रहे हैं कि जिला उपायुक्त अमित कश्यप ने आदेश जारी किया है कि 2 निजी अस्पताल, 2 कॉलेज और 1 स्कूल आइसोलेशन सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के महुआ से हमारे संवाददाता परवीन कुमार बता रहे हैं कि जिला अधिकारी अवधेश तिवारी और पुलिस अधीक्षक मनीलाल पाटीदार महुआ स्थित आश्रय स्थलों का जायजा लिया। नोएडा से हमारे संवाददाता मुस्तकीम अंसारी बता रहे हैं कि नोएडा को बचाने के लिए IAS अधिकारी सुहास एलवाई को जिले की जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि इससे पहले DM BN सिंह ने खुद को चिट्ठी लिखकर पद से हटाने की मांग की थी। पटना से हमारे संवाददाता राजेश कुमार बता रहे हैं कि बिहार सरकार ने दूध की होम डिलीवरी शुरू करवा दी है। इससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। यह सप्लाई खाद आपूर्ति विभाग द्वारा अपनी देखरेख में खुद करवाया जाएगा। तो ये थी सुबह की ताजा तरीन खबरें, और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप मोबाइल न्यूज 24 को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है, घंटी है, उसे भी दबा दीजिए ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सकें अपडेट।